भिवानी में दूध की घी की डेयरी व दुकानों पर उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग ने एक के बाद एक कई जगह मिलावटखोरी को लेकर छापेमारी की। डीएफएसओ की टीम के साथ की गई छापेमारी के बाद सैंपल लिए गए और इन सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि शहर में कई जगह मिलावटी दूध व घी बेचा जा रहा है, जिसे लेकर सीएम फ्लाइंग ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी की टीम के साथ शहर में दूध व घी की कई दुकानों व डायरी पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर सैंपल भरे। इस दौरान घी व दूध बेचने वालों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि शहर में केमिकल व यूरिया की मिलावट से दूध व घी तैयार करने की शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए ये छापेमारी की गई है। ये मेनली कार्रवाई मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की ही है, उन्होंने हमें सूचना दी थी और हम उनके साथ आए हुए हैं और अभी तक 3-4 जगह से सैंपलिंग हो चुकी है दूध के ऊपर, क्योंकि आजकल केमिकल के दूध की खबरें आ रही है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है, तो अभी जारी है। जो कि तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है अगर नकली दूध पाया जाता है, वो रिपोर्ट आने पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में कम पाया गया है, कि भाई उसका कौन सी एजुकेशन में केस डाला जाएगा या नहीं पाया गया है, वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या सजा का क्या प्रावधान? सजा अलग अलग होती है, अगर वो एजुकेशन कोर्ट में जाता है ADC कोर्ट में तो फाइन होता है, अगर CGM में जाता है तो फाइन प्लस इंकरेजमेंट होता है, वो उसकी कैटेगरी डिपेंड करती है। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।